हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रोटेट एंटिटीज, स्केल एंटिटीज और स्ट्रेच एंटिटीज क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक प्लेन की ज़रूरत होगी तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक स्केच बनाना होगा जिसे हम रोटेट करेंगे। तो रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रोटेट एंटिटीज, स्केल एंटिटीज और स्ट्रेच एंटिटीज कमांड दिया गया है। उसे जानने के लिए मूव एंटिटीज कमांड के बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करें। तो मूव एंटिटीज और कॉपी एंटिटीज हमने पिछली लेक्चर में सीख लिया था। आज हम सीखेंगे रोटेट एंटिटीज, स्केल एंटिटीज और स्ट्रेच एंटिटीज। तो पहले हम रोटेट एंटिटीज सीखेंगे। तो रोटेट एंटिटीज पे क्लिक करें। एंटिटीज टू रोटेट वाले बॉक्स में क्लिक करें और स्केच को सेलेक्ट कीजिए। तो हम एक ही बार में स्केच सेलेक्ट करेंगे। कीप रिलेशन इसको ऑन रहने दीजिए। दूसरा पैरामीटर्स में सेंटर ऑफ रोटेशन वाले बॉक्स में क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक पॉइंट देना होगा जिस पॉइंट के अबाउट स्केच रोटेट करेगा। तो हम इस कॉर्नर वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एंगल टाइप कीजिए, जैसे हम 45 डिग्री रोटेट चाहते हैं। तो एंटर कीजिए। तो देखिए ये 45 डिग्री रोटेट हो गया। अगर हम -45 डिग्री एंटर करेंगे तो देखिए ये साइड हो गया। और अगर हम प्लस रखेंगे तो देखिए ये साइड हो गया। नेक्स्ट है स्केल एंटिटीज, अंडू कीजिए। स्केल एंटिटीज, एंटिटी टू स्केल वाले बॉक्स में क्लिक करें और स्केच को सेलेक्ट कीजिए। पैरामीटर्स में स्केल अबाउट वाले बॉक्स में क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक बेस पॉइंट देना होगा जिस पॉइंट से कि स्केच स्केल होगा। तो आप कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब स्केल फैक्टर, अब आपको स्केल फैक्टर देना होगा कि आप स्केच को कितने के स्केल में बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं। जैसे हम इस स्केच को 2 गुना करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और एंटर कीजिए। तो देखिए ये 2 गुना हो गया। एक नीचे ऑप्शन है कॉपी का, अगर हम इस पे टिक करेंगे तो क्या होगा कि पहले का भी स्केच रहेगा और जो हमने स्केल किए हुए हैं वो भी स्केच रहेगा। ओके कीजिए। तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल स्केच है और ये हमारा स्केल किया हुआ स्केच है। वापस देखते हैं, अंडू कीजिए। स्केल एंटिटीज, एंटिटी टू स्केल सेलेक्ट कीजिए। स्केच स्केल अबाउट बेस पॉइंट, हम इस कॉर्नर वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और स्केल फैक्टर 1.5। एंटर। यहाँ पे कॉपी रखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाएंगे 2, 3। तो देखिए ये 1.5 के स्केल में ये कॉपी हो रहा है। ओके कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट है स्ट्रेच एंटिटीज, अंडू कीजिए। स्ट्रेच एंटिटीज, एंटिटी टू स्ट्रेच वाले बॉक्स में क्लिक करें और स्केच को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर्स दिया गया है। पहला है फ्रॉम और टू और दूसरा है एक्स एंड वाई। पहले हम फ्रॉम एंड टू देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रेच अबाउट में एक बेस पॉइंट हमें सेलेक्ट करना होगा।
तो हम इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे और एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से इसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। दोबारा देखेंगे एक्स एंड वाई, सेलेक्ट कीजिए स्केच एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स 60 mm, एंटर। तो देखिए यहाँ से स्ट्रेच हो गया, वाई 70 mm, एंटर। तो देखिए ये यहाँ से स्ट्रेच हो गया, ओके कीजिए। स्ट्रेच इंटिटीज मूव इंटिटीज की तरह काम करता है, तो आप इन दोनों में से कोई एक कमांड यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।